वेलकम एरी वन तो अब हम डिस्कस करेंगे एम सी क्यूज़ फ्राम द चैप्टर कशीर हंस के प्राइन इमारत ठीक है यानी कि कश्मीर की कुछ पुरानी इमारतें ठीक है तो इसी चैप्टर में से अब हम एम सी क्यूज़ डिस्कस करेंगे हमने इससे पहले जितने भी चैप्टर्स अपलोड कर दिए हैं यानी कि उनके एम सी क्यूज़ तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं ठीक है अब हमारे पास सिर्फ दो ही चैप्टर्स रह गए हैं एक है डाक वॉल और है पॉलीथीन ठीक है ये दो चैप्टर्स रह गए हैं इन्हें हम बहुत ही जल्द अपलोड करने की कोशिश करेंगे तो आप हमारे साथ बने रहिए स्टे कनेक्टेड एंड वी विल बी अपलोडिंग फॉर यू ऑल द वीडियोज दैट यू नीड ठीक है तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं सवाल नंबर वन आसार कदीमा छान यानी कि आसार कदीमा छान तो इसका सही जवाब है पुरान चीज़न यानी कि पुरानी चीज़ों को आसार कदीमा बोलते हैं ठीक है सवाल नंबर दो शेल लफ्ज़ माने छु यानी कि शेल लफ्ज का माने है यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं और इसका सही जवाब है कनपल ठीक है तो इसका मतलब होता है कनपल ओके इसके बाद है हारवान छालीमार पैठ यूता दूर यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं लेकिन यहाँ पे सही ऑप्शन है मील यानी कि दो मील दूरी पर है ठीक है इसके बाद है कलहन कुछ ओस कि कलहन कौन थे यहाँ पे चार ऑप्शन है और जो सही ऑप्शन है वो है तवरिख दान यानी कि हिस्टोरियन हिस्ट्री लिखने वाला ठीक है इसके बाद है ख़ान का मौला कर आओ तमीर करना यानी कि खान का मौला को कब तामीर किया गया कब बनाया गया तो इसका सही जवाब है 1394 ठीक है 1394 में खान का मौला को बनाया गया ओके खान का मौला बनो यानी कि खान का मौला को किसने बनाया यहाँ पे चार नाम दिए गए हैं और सही नाम है सुल्तान सिकंदर यानी कि अब्दीन के बाप ठीक है उन्होंने खान का मौला को बनाया है ओके इसके बाद है श्रीनगर जामिया मस्जिद बनो यानी कि श्रीनगर जाम मस्जिद किसने बनाई है यहाँ पे चार नाम हैं और सही ऑप्शन है सुल्तान सिकंदर तो सुल्तान सिकंदर ने ये दोनों काम किए हैं ठीक है इसके बाद है जामिया मस्जिद आय यथ सनस बनावन यानी कि जामिया मस्जिद किस सन में बनाई गई थी ठीक है तो यहाँ पे चार ऑप्शन हैं और जो सही ऑप्शन है वो है 1402 जीरो टू चौदह सौ दो में ठीक है चौदह सौ दो में जामिया मस्जिद बनाई गई थी ओके मसा मसा लफ्जुक माने छ ये जो लफज होता है ना मसा मसा इसका मतलब है इसका सही मतलब है लम लम ठीक है मसा मसा ओके इसके बाद है क्रावल छ वनान यानि कि करावल कहते हैं किसे कहते हैं फोर ऑप्शन हैं और सही ऑप्शन है काम करण वालियस यानी कि काम करने वाले को करावल कहते हैं ठीक है इसके बाद है क्रोमत गो यानि कि क्रोमत क्या होता है तो यहाँ पर चार ऑप्शन हैं और सही ऑप्शन है यथ पैठ काम गैस यानी कि जिस पे काम हो जिसे हम उर्दू में मफूल कहते हैं ठीक है ठीके? तो अगला सवाल है क्रावत छ यानी कि क्रावत किसे कहते हैं फोर ऑप्शन है पहला है यथ पैठ काम गैस दूसरा है इस काम हंस हरकत हाय और तीसरा है काम करण वैलियस तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है यम सरी ठीक है ये सभी जो है ना इनको क्रावत बोलते हैं ठीक है ठीके? इसके बाद है फतारत फ़ारत जमा छो, यानि कि जो लफ्ज़ है ना फ़तारत इसका जमा क्या है तो इसका जमा होता है फतारस, ठीक है तो आपने याद रखना है और आपको जहन में रखना है ठीक है इसके बाद है मेस बान बना वलिस डैश वनान मे बान क्राल वन ठीक है तो क्राल जो है इसका सही ऑप्शन है ओके इसके बाद है चादर वनन वलिस वनान यानी कि चादर बनाने वाले को कहते हैं इसका सही ऑप्शन है वोवर ठीक है तो ये इसका सही ऑप्शन है ओके इसके बाद है आम पर्च जुमलस मज आसान तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस हैं क्रावल क्राउत क्रोमुत तो इसका आंसर आएगा यम सरी यानी कि ये सभी होते हैं ठीक है तो यहाँ पे हमारा ये सेशन होता है कंप्लीट उम्मीद करते हैं आपको समय में आया होगा मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ हम बहुत ही जल्दी जो चैप्टर रह गए हैं उनके एम आपके लिए अपलोड कर रहे हैं तो आप हमारे साथ बन रही स्टे कनेक्टेड एंड मिलते हैं अगली वीडियो में ओके okay?